Hey guys, कैसे हैं आप लोग सब? आज देखो और भी बुरा वेदर है, बारिश अच्छे से हो रही है और ज्यादा ग्लूमी है, बट क्या कर सकते हैं। These are the perks of living on the east coast. I'm getting a little late. फटाफट ऑफिस के लिए निकलना है। Hopefully आज ज्यादा ट्रैफिक ना हो। I'll show you the windshield. कितना पानी है। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है अभी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो ट्रैफिक ड्यूटी में हेल्प करते हैं और बच्चों को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है इस टाइम, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, बच्चे डर गए, तो आपको जो है फाइन लग सकता है। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन यूएस, राइट, माय फर्स्ट जॉब। अभी मुझे अप्रॉक्सिमेटली 6 साल होने वाला है यहाँ पे जॉब करते हुए। इसके पहले मतलब अभी मैं सेकंड जॉब कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने 4 साल तक जगह पे काम किया, 5 साल तक अप्रॉक्सिमेटली काम किया। और वो जॉब मुझे मिला था राइट आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। और उस जॉब को मिलने में मतलब मेरे को बहुत मेंटल स्ट्रेस हुआ था और इतना इजी नहीं था वो जॉब पाना। इफ आई गो बैक इन टाइम एंड आई ट्राई टू एनालाइज की व्हाट वर द रीजंस बेसिकली दैट आई फेस सो मच डिफिकल्टी इन फाइंडिंग दैट जॉब, अ फ्यू रीजंस कम इनटू माय माइंड व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। उससे क्या हुआ कि अगर आप वो सेम सिचुएशन में हो या फिर अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो, देन यू गाइस कैन बी प्रिपेयर्ड और मोर प्रिपेयर्ड इन सम सेंस कि आप उस प्रेशर को झेल पाओ। द होल टैगलाइन इज कि अगर आप लगे रहोगे मतलब है कि नेवर लूज होप। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड देन आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स अ डिफिकल्ट ब्रिज टू क्रॉस एंड यू विल इवेंचुअली क्रॉस इट। इंडिया में क्या होता है कि अगर आपका कॉलेज अच्छा है जहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ सर्व टू यू ऑन अ प्लेटर। आपके कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप कॉलेज में डायरेक्टली यू बिकम एलिजिबल टू सिट फॉर सम प्लेसमेंट और वहाँ पे पूरा सेट डिफाइंड प्रोसेस होता है कि आपका लेट्स से ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, बाकी बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व रहते हो और एक फ्लो में सब कुछ निकल जाता है। यू कैन गेट अ जॉब दैट वे एंड दैट इज लाइक द ईजिएस्ट वे। बट इन अमेरिका यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है कि यू नो प्लेसमेंट का कुछ लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कंपनीज कॉलेज कैंपस में आ रही है और मास रिक्रूटमेंट कर रही है, कि जैसे इंडिया में अगर TCS आई, इंफोसिस आई आपके कैंपस में और 100-200 बच्चों को ले लिया। जैसे आप फ्रेशर हो, आपको इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है, उस टाइम पे अगर आपको इजिली अपॉर्चुनिटी मिल जाए, फिर यू कैन लर्न ऑन द जॉब एंड ग्रो योरसेल्फ, वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेशर्स के बारे में, राइट, क्या क्या प्रेशर आपके ऊपर होगा जब आप लास्ट सेमेस्टर में होगे और अगर आपके हाथ में एक जॉब नहीं होगी। सबसे पहला जो प्रेशर वो होगा कि वो अगर टाइम का प्रेशर, लेट्स से आप 4 महीने में ग्रेजुएट करने वाले हो और आपके पास जॉब नहीं है और अगर टाइम खत्म हो गया एंड देन यू डोंट गेट अ जॉब, देन आई थिंक विद इन 60 to 90 days यू हैव टू लीव USA। तो वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है एंड यू बेसिकली आपका जो एंटायर पर्पज है US आने का और मास्टर्स करने का, वो डिफीट हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रेशर तो ये है ही। उसके बाद और प्रेशर क्या हो सकते हैं, सेकेंड प्रेशर होगा, एक होगा पीयर प्रेशर। आप ये देखोगे कि अगर आप एक कॉलेज में हो, आपके क्लासरूम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे आपके क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ सेम सिचुएशन में है, राइट, धीरे धीरे क्या होगा कि टाइम के साथ सबको जॉब लगने लगेगी। किसी के साथ क्या होगा कि उन्होंने कोई इंटर्नशिप की होगी जहाँ पे उनको फुल टाइम का ऑफर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जॉब हंट करके एक अच्छा खासा जॉब निकाल लेंगे। जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, दे विल बेसिकली फाइंड मल्टीपल जॉब ऑफर्स। तो लेट्स से कि अगर आप रूममेट्स के साथ रह रहे हो, उनको जॉब मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रेशर बिल्ड होगा कि यार मेरे सारे दोस्तों की जॉब लग रही है, मुझे कब लगेगी। तो ये प्रेशर भी धीरे धीरे बिल्ड हो जाता है क्योंकि आजू बाजू आपके लोगों की जॉब लग रही है। सपोज 2 महीने पहले कॉलेज खत्म होने से दे गेट अ जॉब, देन द लास्ट 2 months दे जस्ट चिल आउट बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ जॉब, दे हैव एन ऑफर, और फिर उसको कॉलेज खत्म करना है एंड देन देन स्टार्ट मेकिंग मनी। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि वो बात आपको चुभ सकती है। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि यार कोई पर्सन लेस डिजर्विंग था जो बहुत मस्ती करता था और इतना पढ़ता नहीं था, उसके ग्रेड्स तो तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे, बट उसका जॉब लग गया, तो आपको फील होता है कि यार एम आई नॉट केपेबल इनफ, एम आई नॉट लाइक गुड इनफ, और आपको अपने ही काबिलियत पे डाउट्स आने लगते हैं। वो मेंटल स्ट्रेस मुझे लगता है कि स्ट्रेसफुल है, यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन लाइक दैट। तीसरा प्रेशर जो है वो है फैमिली का प्रेशर। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, थैंकफुली मेरे साथ इतना प्रेशर नहीं था, बट मैंने डेफिनेटली नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को फैमिली की तरफ से भी प्रेशर रहता है, बिकॉज इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके आप मास्टर्स करने आए हो,
फेलियर होने का ऑप्शन आपके पास नहीं है. लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव अ प्लान बी. अगर आप 30 से 40 लाख रुपए खर्चे करके मास्टर्स कर रहे हो और 2-2.5 साल के बाद आपको जॉब नहीं मिली एंड यू गो बैक टू इंडिया, यू विल बेसिकली बी लेबल्ड एज अ फेलियर. इट्स अ वेरी बिग रियल प्रेशर, राइट? लाइक फैमिलीज को भी ये पता है और बहुत सारे फैमिलीज अपने बच्चों पे ये प्रेशर डालते हैं और उनको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, मतलब एक वो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट बना देते हैं जहाँ पे बच्चे को ये फील होने लगता है कि यार अगर मैं नहीं जॉब ले पाया तो मैं क्या करूँ, राइट? तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है और इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ. क्या ही कर सकते हैं, दीज आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट अवॉइड, राइट? ये सब प्रेशर्स तो होंगे आपके ऊपर. तो जब मैं इस सिचुएशन में था, मैं भी स्ट्रेस था और मुझे भी बहुत मेंटल ड्रेनेज हो रहा था कि यार जॉब नहीं मिल रही है. ये भी लग रहा था कि ना भगवान मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो भी मुझे इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आ रहे हैं. अगर इंटरव्यू के कॉल्स आ रहे हैं तो फिर मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ. देखता था कि मेरे दोस्तों को जॉब लग रही है, कभी लगता था कि यार इसको जॉब लग गई मुझे क्यों नहीं लगी, इसको तो मेरे से कम नॉलेज है और मैं तो इससे अच्छे ग्रेड ले गया. तो ये सब मुझे फील होता था और आपको भी होगा अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे. तो जब आप लाइफ में नीचे रहते हो आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई हूज गिविंग यू द राइट एडवाइस. उस टाइम पे मुझे एक मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि द ओनली वे टू क्रॉस दिस ब्रिज, दिस डिफिकल्ट ब्रिज ऑफ गेटिंग अ जॉब इज कि आप लगे रहो. लगे रहो वॉज द वर्ड, राइट? आप कभी हार मत मानो, क्योंकि जो हार नहीं मानता है वो इसको इवेंचुअली कुछ ना कुछ जॉब मिल ही जाता है. मेरा एडवाइस यही है कि आप गिव अप मत करो. अगर आप गिव अप नहीं करोगे एंड यू विल कीप ट्राइंग, फाइंड योर मिस्टेक्स, फाइंड योर वीकनेसेस एंड वर्क ऑन देम. अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज आपको लग रहा है कि आप इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस पे आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और प्रिपरेशन से जाओ. एवरी डे इम्प्रूव योर सेल्फ बाई लाइक स्मॉल परसेंटेज, धीरे धीरे आपका वो परसेंटेज बहुत बड़ा हो जाएगा. एंड आई एम गारंटिंग यू, अगर आप गिव अप नहीं करोगे आपको जॉब मिल जाएगा. यूएस में जॉब्स की कमी नहीं है, बहुत सारे जॉब्स हैं, बस आपको लगे रहने, गिव अप नहीं करना. दूसरों को देख के या फिर फैमिली के प्रेशर से या फिर यू नो टाइमर से आप डरो मत, मेहनत करते रहो. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जेन्युइन मेहनत करो, मतलब अपने साथ चीटिंग मत करो. गॉड हमेशा देख रहे हैं कि आप कितने जेन्युइन हो और आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो. अगर आप लगे रहोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि दुनिया में कोई एंटिटी नहीं है जो आपको सक्सेस से दूर. अगर मैं मेरे केस के बारे में बात करूं तो अभी मुझे रियलाइज होता है कि मैंने कम से कम 200 से लेकर के 400 के बीच में जॉब एप्लीकेशंस की होंगी. मेरा स्केड्यूल था, सुबह उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, जॉब एप्लीकेशन करते थे, सुबह उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, जॉब एप्लीकेशन. बस मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे कोई भी दिन हो यही काम कर रहे हैं, बस आपकी जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं. अगर कोई कॉल्स आ रहे हैं तो रिक्रूटर के साथ बातें कर रहे हैं, इंटरव्यू सेटअप कर रहे हैं. और आप 200-300 जगह पे अप्लाई करोगे, आपको 20 जगह से मे बी कॉल आएगा, 10 जगह पे आप इंटरव्यू दोगे, 3-4 जगह पे आप फाइनल राउंड्स में जाओगे, आपको एक ऑफर डेफिनेटली मिल जाएगा. आप ये याद रखो, द मोर हार्ड वर्क दैट यू विल डू द मोर लक यू विल गेट. इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा लक का भी खेल है कि आपको कौन सा इंटरव्यूअर मिला, उस दिन पे उसका मूड कैसा था, मे बी वो घर से डांट खा के आया हो और वो आप फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाले और आपको रिजेक्ट कर दे. 1.5 years आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे रिजेक्शन ईमेल आते थे. हर एक रिजेक्शन ईमेल जब कंपनी से आता है ना वो ऐसा स्टैंडर्ड रिजेक्शन ईमेल होता है, ऐसा कुछ पर्सनलाइज नहीं रहता है. यू हैव रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिज्यूमे वाज नॉट शॉर्टलिस्टेड दिस एंड दैट. हर एक रिजेक्शन एक तीर की तरह चुभता है. बट यही है कि अब अगर आप, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को बोला कि आप स्किल करोगे, अपने स्किल्स को बना के रखोगे, मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल. If you're still watching this video, then thank you so much. Like this video as well and subscribe to my channel. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपके पास कोई questions हैं या फिर आप कोई specific topics पे video चाहते हो, put them in the comment section. मेरे knowledge के हिसाब से, मेरे experience के हिसाब से US में मैं वो उसको answer करने की कोशिश करूँगा. You can hit me up on Instagram as well. My Instagram ID is same as my channel ID, which is travel nonstop with Vivek. और वहाँ पे हम लोग और detailed discussion कर सकते हैं. मैं आपके questions को answer कर सकता हूँ. So do not hesitate in doing that. And I really hope कि अगर आप masters करना चाहते हो, यूएस आना चाहते हो तो आप उसमें सक्सेसफुल हो. और उसमें अगर मैं थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूं इन एनी वे, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइस विद दिस. आई एम गोना एंड द वीडियो नाउ बिकॉज़ आई हैव रीच्ड माय ऑफिस. मुझे ना ये वीडियोस बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब मैं सुबह जाता हूँ एक घंटे का टाइम रहता है, यूजुअली आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक और मैं अकेले बोर हो रहा होता हूँ, तो अभी मुझे लगता है कि मेरा थेरेपी सेशन होता है. आई एम टॉकिंग टू यू गाइस एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. इससे आप लोगों की हेल्प भी हो रही है, तो मतलब बहुत सारे काम एक साथ हो जा रहे हैं, तो एक अच्छा फीलिंग आता है मुझे. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम जो ये कम्यूट का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ, मैंने उसको कैसे तो यूज कर लिया. होपफुली ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे.